हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इन्यूमरेशंस। इसे शॉर्ट फॉर्म में इनम भी कहते हैं। या पहले हम देखेंगे इन्यूमरेशन होते क्या है, क्या यूज़ हो सकता है इनका, और इसको किस तरह हम गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन्यूमरेटर्स होते ना, इन्हें इनम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इनम। इसमें यह होता है कि हम ना किसी जिस तरह हम कंपेरिजन करते हैं, जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने जैसे समझे, जैसे मेरा था एक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, तो अब मैं नेम का कंपैरिजन किस तरह करता हूँ। इफ़ नेम इक्वल्स टू असद, देन ये कुछ हो, एज इफ नेम इक्वल्स टू अली, तो जो भी कंपैरिजन हमने इफ में करनी होती, तो हम इस तरह करते हैं कि एक वेरिएबल लेके उसको कंपैरिजन करते हैं कि अगर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर असद है या नेम अली है, तो हम इसको इसको ट्रू कर, अगर ये ट्रू है तो फिर ये काम करे, अगर नहीं है तो आगे वाले को कंपेरिजन करे, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ डे की एक, ठीक है। अब मैंने अगर डे का कंपेरिजन करना है, जैसे डे इक्वल्स टू, अगर आज मंडे है तो क्या करना है, ठीक है, एज इफ डे इक्वल्स टू ट्यूजडे है, तो फिर क्या उसको ए प्रोग्राम को करना चाहिए। तो अच्छा, अब ये देखा, जिस तरह हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हम स्ट्रिंग फॉर्म में कंपैरिजन कर रहे हैं। इनम होता है कि ना हम ना एक ना सेट बता देते हैं। जैसे अगर मैं ये डे और डेट की पहले एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये अगर हम कोड करके देखते हैं, सबसे पहले सिंपल अगर मैंने कोड करना हो स्ट्रिंग डे मंडे, इफ डे इक्वल्स टू मंडे, तो प्रिंट क्या करते हैं, टू डे इज मंडे, एज इफ डे इक्वल्स टू ट्यूजडे, तो प्रिंट टू डे इज ट्यूजडे। अगर इसको सिंपल में प्ले करके देखूंगा, ये मैं अपना टेस्ट स्क्रिप्ट किसी के ऊपर चला के देखता हूँ, मेन कैमरे के ऊपर लगा लेता हूँ, टेस्ट स्क्रिप्ट लगा हुआ है, तो प्ले करूंगा तो मेरे पास क्या ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, मंडे इसके अंदर, तो ये वाली ट्रू हो जानी चाहिए इसमें। ठीक है ना, टू डे इज मंडे करके आ गए। अच्छा, एक तो ये हमारे साथ इस तरह हम कंपेरिजन कर सकते, जो इनम हमारा इस्तेमाल होता है ना, इनम में हम ये कर सकते, जैसे ना हम कुछ डेटा सेट बता देते, जैसे अगर मैं डे का हमारा, तो मैं एक इनम का सेट बनाऊंगा डे का, जिसके अंदर मैं सारे डाल दूंगा, मंडे ट्यूसडे, या इसको खाली मन कर देते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये मैंने एक सेट बना लिया जो मेरे इनम, इनम के अंदर हम एक डाटा सेट अपना स्टोर करा सकते हैं। तो मेरा एक डाटा सेट है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, ये मेरा इनम का डाटा सेट है। तो इनम का सबसे इसका मतलब ये मुझे जो डाटा सेट है मेरा, ये मुझे किसी में डिफाइन भी करना होगा, जो ये मेरा डाटा सेट है ये मुझे किसी इनम में डिफाइन भी करना होगा, किसी, ये मेरा इनम का सेट है, तो इसका मतलब मुझे कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं ये सारा डाटा सेट अपना रख सकूँ, जो जाके जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर सकूँ। तो अगर मैं जो डाटा, इसको इनम को डिक्लेयर करने का तरीका ये है, इनम लिखेंगे हम, ठीक है, आगे जो हम जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका नाम वेरिएबल का, तो हम यहाँ लगा, मैं लिख देता हूँ डेज, बस इसका मतलब क्या हुआ, ये इनम है डेज का और उसका डाटा सेट ये है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं डिक्लेयर करूँ यहाँ, तो अब मैं इसको अपने पिछले प्रोग्राम को हटा देता हूँ, ये इनम, ठीक है, ये मैंने डेज का बनाया, डेज का बना के, और यहाँ मैंने ब्रेसिस दी। अब इसके अंदर मैं सेट बताऊंगा, सिंपल आपने कोई ब्रेसिस के साथ, कोई वैल्यू वगैरह के साथ ही लिखना, आपने सिर्फ एज अ स्ट्रिंग लिख, एज अन अल्फाबेट्स लिखने हैं, किसी ब्रेसिस के साथ ही लिखना, क्योंकि ये इनम की स्पेशलिटी है। ट्यूसडे, वेट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये मैंने सेट बना दिया कि मेरे डेज के अंदर ये वाले डाटा सेट हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा इनम की ना एक डाटा सेट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं कोई वेरिएबल बना सकता हूँ अपना डेज के नाम से, ठीक है, जैसे मैं एक डेज का नाम से वेरिएबल बनाता हूँ टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डेज के नाम का इनम है,
जिसके डाटा सेट ये है लेकिन इस वेरिएबल के अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो इस वेरिएबल के अंदर जो टुडे है ना, इसके अंदर यही ऑप्शन आ सकती है। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन रख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। अगर आपने और ऑप्शन रखनी है तो आगे उसको बना सकते हो। तो मैंने एक नया एक डेज के ऊपर एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ, डेज डॉट सैटरडे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टुडे के अंदर सैटरडे पड़ा हुआ जो इसके सेट का हिस्सा है। अगर मैं ज़बरदस्ती यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करूँगा ना, कोई स्ट्रिंग या कोई इंटीजर, तो मुझे एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेज है ये अपने इनम के ही पैरामीटर्स को वो कर सकता है, वैलिड हो सकते हैं, इसके लिए बाकी कोई वैलिड नहीं हो सकता। तो अगर मैं करूँ तो इसका मतलब मेरे पास ये पहले डेज का अपना एक्सेस करना पड़ेगा डॉट, और उसके आगे जो सा भी मेरा जोन सी मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मैं वो रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इफ की कंपैरिजन करनी है तो मैं ये कर सकता हूँ, इफ टुडे इक्वल्स टू, अब मैं चेक करना चाहता हूँ आज फ्राइडे के नहीं, तो मैं डायरेक्ट फ्राइडे नहीं लिख सकता क्योंकि फ्राइडे उसका कोई इस प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं है, वो इस डेज का हिस्सा है। तो मैं डेज डॉट फ्राइडे करके प्रिंट करता हूँ, टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, तो अब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, क्या होगा, कुछ ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि टुडे के अंदर क्या ट्यूसडे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ट्यूसडे पूरा हम कर लेते हैं सारों को, ताकि फिर मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो आप देख रहे हैं मुझे ट्यूसडे के ऊपर एरर आ रहा है क्योंकि पहले ट्यूसडे था नहीं, अब मैंने पूरा ट्यूसडे लिखा तो वो उसके डेटा सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ट्यूसडे आ गया, फ्राइडे आ गया, तो अगर मैं प्ले करके देखता हूँ अब तो क्या होगा। कंसोल में देखते हैं, प्रिंट नहीं होगा क्योंकि टुडे के अंदर ट्यूसडे पड़ा हुआ है, और जब मैंने चेक किया टुडे के अंदर अगर फ्राइडे हो तो टुडे इज फ्राइडे वाला प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं दोबारा इसको कंपेरिजन, इसको अगर मैं वैल्यू दोबारा दे दूं, टुडे इक्वल्स टू डेज डॉट फ्राइडे, तो अब इस टुडे के अंदर पहले तो ट्यूसडे था, अब क्या आ जाएगा, फ्राइडे अंदर आ जाएगा। तो अब मैं प्ले करके देखूंगा तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाना चाहिए। टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरह हम डाटा सेट एक अपना बना के और उसके साथ अपना ही उसको ही वेरिएबल देख के उसके अंदर उस डाटा सेट की वैल्यूज रख सकते हैं और फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। इनम का ये फायदा है कि आज ये जो कोड है ना ये बहुत एक तरह का नीट हो जाता है और पढ़ने लायक हो जाता है। जैसे अब ये देखें, ये आसानी से पढ़ा जा रहा है। जैसे टुडे के अंदर अगर फ्राइडे पढ़ा है, टुडे के अंदर फ्राइडे पढ़ा हुआ, अच्छा अगर टुडे के अंदर फ्राइडे पढ़ा हुआ तो ये प्रिंट कराते। सिंपल कंपैरिजन होता है इसमें, एक तो सिर्फ उन सेट्स के अंदर होता है, उन सेट्स की वैल्यू के साथ ही हो सकता है, आप कोई आउटसाइड ऑफ द सेट कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। जो उनके सेट के अंदर है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये जो डाली है मैंने, इसी से कंपैरिजन हो सकता है। आगे मैं चाहूँ और भी सेट्स के अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं अगर देना चाहूँ यहाँ कोई भी मैं दे सकता हूँ वैल्यू कंपैरिजन के लिए। और इससे ये कि कोड बहुत साफ सुथरा हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है, हम काम इफ से भी कर सकते हैं लेकिन इनम कई जगह हमें इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ज़्यादातर आपकी कोड लॉजिक के ऊपर होता है कि आप ये किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर हम गेम के ऊपर देख लें, गेम में हम डिपेंड देखें, अगर वैसे हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसकी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आगे गेमों में गेम्स में क्या हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी हम एक एग्जाम्पल देखें, एक तो हमने डेज की ले ली, एक हम डायरेक्शन की ले लेते हैं। अगर मैंने अगर एक मेरा एक समझ ले, मेरा एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है मेरा। अब ये इसके पास एक रेडार है, ठीक है, तो रेडार से वो इसमें रेडार जो होता है कंपस में चार लुक डायरेक्शन होती है, क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास होगा कंपास अपना, जो मेरा इसके पास कंपास होगा उसके अंदर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट है कि, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इसको अगर मैं इनम से करना चाहूँ तो वो किस तरह कर सकता हूँ। सबसे पहले इनम हमें पता है हमने इनम से करना है, तो इनम को डिक्लेयर करने का तो ये हो गया इनम, ठीक है, इनम
इसको मैं नाम देता हूँ कंपस डायरेक्शन के नाम से दे देता हूँ, कंपस की कौन कौन सी डायरेक्शन है। अच्छा ये मैंने इसको डिक्लेयर किया है, अब मैंने इसका डाटा सेट फिल करना है। तो मेरे इसमें क्या क्या डाटा सेट आ सकते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो ये मेरी चार चीज़ें इसमें आ सकती है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ उनका डाटा सेट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक हो गया। अच्छा तो अब ये मेरे पास आ गया, इसका मतलब अब मैंने एक कंपस तो वो एक कंपस की डाटा टाइप्स तो डिफाइन कर दी कि उसमें नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, वेस्ट हो सकता है और ईस्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो मेरा ये कंपस है इसको भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कंपस को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, अब ये वाली जो मैंने अपनी ईनम की बनाई हुई है कंपस डायरेक्शन, इसको मैं करता हूँ, इसको नाम दे देते हम, इसको यहाँ हम डिक्लेयर कर लेते हैं कंपस डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम से हम एक बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। अच्छा स्टार्ट के अंदर हम इसे डिक्लेयर कर, ये हमने बना लिया है, अब स्टार्ट के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्शन इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्शन के अंदर कौन सी वैल्यूज दे सकता हूँ, इसी इन इसकी जो सेट की दे सकता हूँ, कोई आउटसाइड नहीं सेट में दे सकता। तो कंपस डायरेक्शन डॉट मैं करता हूँ ईस्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैंने समझे राइट जाना हो तो मेरे पास साउथ की है, और अगर मैंने जाना है तो मेरे पास ईस्ट की है, ठीक है। ये अच्छा इस डायरेक्शन के अंदर ये आ गई ईस्ट की। अच्छा अगर मैं अपडेट के अंदर अब एक लगा दूँ, अगर अपडेट अपडेट के अंदर इफ, अब मैं कंपैरिजन करने लगा अपना इस डायरेक्शन की, कि इस डायरेक्शन के अंदर अगर ईस्ट मेरे जो डायरेक्शन है इसके अंदर कंपस डायरेक्शन डॉट अगर ईस्ट पड़ा हुआ है तो क्या करें, एज इफ डायरेक्शन डॉट कंपस डायरेक्शन इक्वल्स टू कंपस डायरेक्शन डॉट अगर साउथ पड़ा है तो क्या करें, अभी सिर्फ मैं इन दो का कंपैरिजन करता हूँ, अगर ईस्ट पड़ा तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट वेक्टर थ्री डॉट, हम इसको लेफ्ट कर देते कि लेफ्ट को जाए, और अगर साउथ पड़ा तो राइट को चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं गेम प्ले करके देखूंगा तो मेरे अंदर क्या, इस जब मैं प्ले करूंगा मेरा एक कंपस डायरेक्शन का इनम है जिसके चार पैरामीटर्स ये हैं, मैंने इसी इनम की एक डाटा टाइप डिफाइन की है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को मैंने स्टार्ट के अंदर ईस्ट दे दिया, अगर वो डायरेक्शन का कंपैरिजन होगा, अगर वो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगी तो वो लेफ्ट को जाने लग जाएगा, अगर वो साउथ की तरफ है तो वो राइट को जाने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ये किसी के ऊपर लगा लेता हूँ स्क्रिप्ट, इसको मैं यहाँ एक क्यूब देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ टेस्ट का स्क्रिप्ट अपना, और इसको मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ। अब मेरा टेस्ट का स्क्रिप्ट है, तो मेरी डायरेक्शन के अंदर क्या ऑप्शन होगी, ईस्ट की थी, तो उसके अंदर क्या करना था उसने, वो लेफ्ट को जाने लग गया था, जाने लग गया, वो देखे लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है। इन केस अगर मैं डायरेक्शन की ऑप्शन इसको यहाँ कर दूँ साउथ, तो ये वाला ट्रू हो जाएगी, और ये कहाँ को जाने लग जाएगा, राइट को। प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इनम, इसको आप इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ से क्या होगा, ये कोड ज़्यादा पढ़ा ले, जैसे ये देखिए इजी टू रीड है, जबकि इफ के साथ हमें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे ये काफ़ी एक तरह का जैसे एक इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस तरह डायरेक्शन इक्वल्स टू कंपस डायरेक्शन डॉट ईस्ट है तो फिर ये ट्रांसलेट कर दें, अगर साउथ है तो ये कर दें, जबकि थोड़ा जो हम दूसरा इंटीजर वगैरह अगर लेते हैं तो उसमें हमारे पास थोड़ा कोड थोड़ा मैसेज सा भी हो जाता है, और वो ज़्यादा रीडेबल नहीं होता, उसको थोड़ा फिर हमें फोकस करके रीड करना पड़ता है। तो इनम का ये ज़रा कुछ फ़ायदा होता है, आप इफ से भी काम कर सकते हैं, इनम से भी काम कर सकते हैं, तो हर एक अपनी लॉजिक पर डिपेंड है, वो कहाँ इनम और कहाँ इफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो इनम का अगर हम काफ़ी जगह देख लें, तो अगर कोई ये किसी ने गेम खेली हो, कोई जैसे अगर पैकमैन किसी ने खेली होनी है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास एनिमीज होते हैं पैकमैन में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के हो गए, कुछ ये ऑरेंज कलर के हो गए,
तो उसमें इसका इनिशियलाइज कर जो अगर क्योंकि कंपेरिजन करना होगा उसने गेम में किसी भी, तो उसको इनम के जरिए बना दिया होगा उसने ये सेट, एक का नाम रेड दे दिया होगा, एक का नाम ब्लू दे दिया होगा, एक का नाम ग्रीन दे दिया होगा, एक का नाम ऑरेंज दे दिया होगा, और ये एक इनम का उसने सेट बना दिया था, बना दिया होगा ठीक है। और इनम के सेट के अंदर वो कंपैरिजन कर रहा है, अगर मेरा एनिमी रेड है तो फिर क्या करे, अगर ब्लू है तो उसको 10 पॉइंट देते हैं, अगर ग्रीन है तो उसको 50 पॉइंट देते हैं। तो ये हर एक ही लॉजिक में डिपेंड होता है कि अगर आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं इनम को, कहाँ आप इफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो काम दोनों से हो सकता है, वो आप ये कि आप में है कि आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।